For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi, मैं हूँ इजाज़ खान. Hi, मैं हूँ शरद मल्होत्रा और आप देख रहे हैं हमें Movies Adda पर. हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज़ अड्डा. जब भी हमें कोई कश्मकश होती है, हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, और इस सही गलत के फासले को मिटाने के लिए मेरे साथ यहाँ पे दो टैलेंटेड लोग बैठे हैं. तो सबसे पहले तो इजाज़ खान एंड शरद दोनों ही मेरे साथ यहाँ पर हैं. ये हमें बताएंगे कि कश्मकश में फंसने के बाद क्या किया जाए. तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कश्मकश है, आप फंसा रहे लोगों को या लोग खुद फंस रहे हैं? थैंक यू वेरी मच. हमारा काम ही है फंसाना, तो हम ज़रूर फंसाएंगे, लेकिन आपको सोचने पर भी मजबूर करेंगे कि आपके लाइफ में जो चॉइसेस आप करते हैं उससे क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है. जी शरद, आप क्या कहना चाहेंगे, किस कश्मकश में हैं लोग? देखिए, नहीं, उनकी अब चाहे वो निजी ज़िंदगी हो या प्रोफेशनल हो, अगर किसी भी तरह की कोई कश्मकश है और उसे दूर करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कश्मकश. तो फिर आप समझ पाएंगे कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके जीवन में उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उनके लिए देखना कश्मकश बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है. अति आवश्यक है, ये तो आपने हमें बता दिया. लेकिन मैं जानना चाहूँगी अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए कि आपके कैरेक्टर की यूएसपी क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी. देखिए, पहली बात तो ये है कि देसी कैरेक्टर है. मुझे देसी कैरेक्टर से मुझे पता नहीं क्यों लगाव है, और शायद मैंने एक माइथो शो भी किया हुआ है, तो मेरी हिंदी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं मैंने उपयोग किया है सही मायने में. जब मुझे कहा गया अनिल सर ने कि एक यूपी बेस्ड कहानी है और पंकज का कैरेक्टर है, तो अचानक कान खड़े हो गए. तो मैंने कहा अरे वेरी गुड यार, सुपर. तो उसके बाद फिर मैंने और कुछ पूछा नहीं उनसे, तो उन्होंने कहा बस ये कहानी है और कहानी की दो एंडिंग है. तो दूसरी बार कान खड़े हुए कि दो एंडिंग कैसे, नॉर्मली एक कहानी की एक एंडिंग होती है, बट यहाँ पर दो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. एक ऑल्टरनेट एंडिंग है कि आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, फिर आपके ऊपर है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनेंगे. जो मुझे सही लगे आपको गलत लगे, जो आपको गलत लगे मुझे सही लगे. तो देखिए और आप खुद जज कीजिए. हमने आपको दो एंडिंग्स दिखाई हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंगली शूट हुई हैं दोनों. हर एक कहानी की दो एंडिंग है, तो मुझे मेरी कहानी की ऑडियंस पे है कि वो क्या एंडिंग चूज़. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनके जीवन में कोई कश्मकश है तो ज़रूर देखिए और डिसाइड कीजिए कि आपके लिए सही और आपके लिए गलत क्या है. जी इजाज़, आपसे जानना चाहूँगी, हमने आपको अभी हम बहुत सारी वेब सीरीज़ में देख रहे हैं, यू नो ऐसा लग रहा है वेब सीरीज किंग बन चुके हैं आप. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये चॉइसेस का जो सिलसिला चल रहा है, ये स्क्रिप्ट आपने क्यों चूज़ किया, आपको क्यों लगा कि ये दिस इज़ द राइट कैरेक्टर फॉर मी? सबसे पहले तो अनिल सर का प्रोडक्शन है, फर्स्ट प्रोडक्शन है, और मैं खुश नसीब हूँ कि ही कॉल्ड मी फॉर दिस. उन्होंने हमें एक्टिंग सिखाई है, इनफैक्ट मेरे फर्स्ट शो भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उनके डायरेक्शन में फिर से काम करने का मौका मिला. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आज की स्टोरी है, और स्टोरी एक एंडिंग लेती है, फिर वापस रिवाइंड करती है और आपको दिखाती है कि अगर ये पाथ चूज़ करते तो कहाँ लेके जाती है. वो बहुत खूबसूरत पॉइंट है इसका. 5 स्टोरीज़ हैं, अलग अलग स्टोरीज़ हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं और आज की स्टोरीज़ हैं. तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए अनिल सर के साथ काम करने का मौका था. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हंगामा प्ले. इनफैक्ट मैं शरद अभी बात ही कर रहे थे कि कितना बड़ा एक ऑडियंस में गैप है जो हम जैसे एक्टर्स फिल कर सकते हैं. तो वही कोशिश कर रहे हैं करने की, इसके लिए वेब सीरीज़ कर रहे हैं. जी अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे आप लोगों ने कहा दोनों ने कि नो कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है यहाँ पर, तो रियल लाइफ में आपको कितना लगता है कि आजकल की लाइफ में पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी हैं बहुत ज़्यादा किसी इंसान की लाइफ में? आई थिंक बहुत एक इंसान पे इंडिविजुअलिस्टिक निर्भर करता है. मैं सोशल मीडिया के जनरेशन से नहीं हूँ, तो अभी अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जितना मुझे करना चाहा, जितना मैं करना चाहता हूँ मैं उतना करता हूँ. लेकिन जैसे मेरे छोटे मेरे कज़न्स के बच्चे बच्चियाँ हैं, तो वो तो पूरा टाइम सोशल मीडिया पर ही रहते हैं. लेकिन आई थिंक उनका एक फ़ोन टाइम रहता है, और फ़ोन टाइम से वो उतना ही होता है, उसके बाद अलग हो जाते हैं. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स एंड ऑन द एल्डर्स और सोशली रिस्पॉन्सिबल पीपल के कैसे इसे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाए, कैसे अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, कैसे इसके बारे में एजुकेट किया जाए. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं शरद, आई जस्ट मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन हुड कम फ्रॉम मॉरिशस. तो उसकी बेटी फ़ोन पे एक गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पहले ना एक एड पॉपअप हुई, और वो एड में कुछ तो अजीब था. तो उसने कहा मामा व्हाट इज़ दिस, तो मम्मी ने वो स्किप किया. तो अगर उतना एक दूसरे में कम्युनिकेशन है, उतना कम्फर्ट जोन है,
तो आप रिस्पॉन्सिबली हैंडल भी कर सकते हैं. तो आई थिंक एज इंडिविजुअल्स हमें अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हाई दिस शो शुड बी वॉच्ड. जी शरद, आपसे भी जानना चाहूँगी, नो सोशल मीडिया पर आप भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में कि कितना ज़्यादा प्रेशर फील होता है बीइंग एन एक्टर आल्सो, सभी को कि हर दिन कुछ अपलोड करना है, अपनी लाइफ की चीज़ें फैंस तक पहुंचानी है, प्रेशर फील होता है? पहली बात तो यह है कि एक्टर होना एक प्रेशर है भैया, कि डिलीवर करना है पूरे टाइम, उसके ऊपर मैं और प्रेशर नहीं ले सकता हूँ. तो ये सोशल मीडिया और एंटी सोशल मीडिया, आई एम नॉट सेइंग आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बट हाँ एक लाइन है भैया, जैसे मैं पहले भी कहा है कि मैं इतना एक्टिव नहीं था, बट शादी के बाद थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ. कच्ची आई थिंक मेरी वाइफ चाहती हैं कि मैं कुछ पोस्ट करूँ हमेशा उनके बारे में, तो अब कुछ यू कांट से नो टू दैट, आई एम श्योर एवरीबडी वुड अग्री. बट आई थिंक हाँ, कभी कभार पोस्ट कीजिए, अच्छे पोस्ट कीजिए, कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव है, कुछ अगर आप कुछ सीख रहे हैं उससे तो वाई नॉट. और सही मायने में अगर हम यूज़ करें सोशल मीडिया को तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. कई बार मन करता है कि आपने अच्छे नए जूते पहने, अच्छा एक फ़ोटो डाल दी, चलिए ठीक है, कभी कभार वो भी समझ में आता है, बट पूरे टाइम अगर आप जूते और मोजे और पतलून और शर्ट की आप पिक्चर डालेंगे तो भैया आप कहाँ जी रहे हैं, वेयर आर यू? आप तो या तो फिर वहीं रहिए और रियल लाइफ मत जिए. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप यू ड्रॉ लाइन, ये आपकी रियल लाइफ है, और कुछ समय के लिए, जैसे एजाज ने भी कहा, कुछ एक टाइम पीरियड हो दिन में, कभी भी घंटे दो घंटे के लिए आप गए, चेक किया, सबको देखा, कुछ लोगों को देखा, आपने छुप के भी स्टॉक किया, देखा, वो सब बाहर आइए, उसके बाद अपनी रियल लाइफ में आ जाइए. कौन क्या पहन रहा है वो सब देखने में अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, बट आई एम नॉट लाइक अ सोशल मीडिया बाफ काइंड ऑफ थिंग, मैं इतना नहीं हूँ, अभी थोड़ा बहुत हो गया हूँ, बट वो लाइन मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ. अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी इस कैरेक्टर में ऐसी, क्योंकि जब भी कोई एक्टर क्यों ना कोई रोल पोर्ट्रे करता है तो उस कैरेक्टर से एक चीज़ अपने साथ जोड़ लेता है, यू नो, इस कैरेक्टर से आपने क्या जोड़ लिया अपने साथ? देखिए, जैसे अभी हम सब कह ही रहे हैं कि हर एक कहानी से कोई कुछ ना कुछ सीख मिलेगी आपको, तो मैंने अपनी कहानी से सीखा है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं, कुछ कई बार मैं कुछ ग्रुप्स के एडमिन रहा हूँ और मैंने कई बार कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिए हैं जाने अनजाने में, बिना सोचे समझे कि पता नहीं क्या क्या होगा फॉरवर्ड करने से. तो इस कहानी को करने के बाद, इस एक्सपीरियंस को जीने के बाद, मुझे अब लगता है कि नहीं, अगर कुछ कोई न्यूज़ फॉरवर्ड होती है, कुछ भी अगर मैसेज आता है, तो वेरीफाई करना ज़रूरी है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी सच है, झूठ है, क्या है. तो आई थिंक वो जेन्युइन है कि नहीं, वो हमें जानना ज़रूरी है. उसके बाद डेफिनेटली अगर आपको फॉरवर्ड करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है. तो ये मैंने सीखा है कि कोई भी न्यूज़ हो, उसे एक बार रीचेक करिए, एक वेरीफाई कीजिए, बहुत ज़रूरी है. इजाज, आपसे जानना चाहूँगे, आपने इस कैरेक्टर से ऐसा क्या जोड़ लिया अपने साथ? यार, सबसे पहले तो मेरी शादी नहीं हुई है ना, बच्चे हैं. नहीं, बहुत एजी नहीं कहूँगा, वनरेबल कैरेक्टर है मेरा. आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा. अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसे होते हैं ना, हम अपने लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं कि रोज़ ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना दिखा पाते हैं. नहीं, फॉर ग्रांटेड ज़रूरी नहीं कि फॉर ग्रांटेड ले, लेकिन कह नहीं पाते, कुछ एक्टिव नहीं कर पाते. तो उसके वजह से जो बोलते हैं कि एक फैमिली लाइफ में या हस्बैंड वाइफ के लाइफ में स्पाइस निकल जाती है. तो आई थिंक माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वुड बी कि कोई भी रिलेशनशिप हो, उसे आप एक पौधे की तरह नरिश करते रहना, उसे जीवित रखने के लिए उसे नरिश करते रहना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, लास्टली, कितनी बार आप लोगों ने ये फील किया है, आप लोग के पास ऐसे मैसेजेस आए कि इसको 10 लोग को फॉरवर्ड करो नहीं तो पाप चढ़ेगा, किसके साथ? सबसे इरिटेटिंग वो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस लगते हैं, उनको जेल भेजना चाहिए विद अलग अलग डायग्राम्स, अलग अलग तरीके से. आपके पास आपने फॉरवर्ड किया 10 लोगों को? नहीं, मैंने एक बार किया था यार, बिकॉज वो पहली और आखिरी बार था, कुछ नहीं हुआ. मुझे कहा था कि इतने पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं आया भैया, मतलब नहीं यार, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड यार. मैं अगर मिल जाता तो शायद मैं अब तक कर रहा होता, बट कुछ नहीं ऐसा हुआ, तो मैंने बंद कर दिया. वो एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था बस, और मेरी मॉम ने भेजा था मुझे यार. सो आई कुड नॉट इवन लाइक यू नो से एनीथिंग टू हर. तो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते, अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारे खानदान के साथ ये हो जाएगा, माँ के साथ, बाप के साथ, ये डर लगता है यार, कर दूँ क्या. भगवान से रिलेटेड भी बहुत ऐसे पोस्ट्स आते हैं कि अगर आपने नहीं फॉरवर्ड किया हनुमान चालीसा को, नहीं किया 10 लोगों तक, तो यू नो पाप चढ़ेगा आपको, आपके साथ 24 घंटे में कुछ बुरा होगा. सो आई एक्चुअली वेट कुछ बुरा हो, बट नथिंग हैपेंस. मुझे तो लगता है मैं अच्छा इंसान हूँ, भगवान अपनी टीम में, कुछ बुरा नहीं होगा. सो लास्टली, जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, डाउनलोड हंगामा प्ले ऐप, प्लीज़ वॉच कशमकश,
बहुत अच्छे 5 स्टोरीज है, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है, प्रीची नहीं है, लेकिन आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा अल्टरनेट एंडिंग्स के साथ, और हम सब हैं उसमें, प्लीज देखिए। यस, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक जैसे इजाज़ ने कहा कि हंगामा ओरिजिनल सीरीज़ है, अनिल वी कुमार का डेब्यू हो रहा है वेब पे, हमारा भी हो रहा है, इनका तो नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं वेब पे, तो आई थिंक हाँ सब हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आ रहे हैं, 5 बहुत ही कमाल की कहानियाँ हैं, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाएंगे, जितने व्यूअर्स हैं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, सो प्लीज़ वॉच इट एंड गिव अस अ फीडबैक। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल। थैंक यू।